अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में समान क्षेत्र में ज्योति स्कूल के आसपास के पान ठेलों एवं अन्य दुकानों में गुटखा एवं सिगरेट का विक्रय करने वालों को समझाइश दी गई। दुकानदारों ने स्वेच्छा से गुटखा एवं सिगरेट को जलाकर नष्ट किया तथा भविष्य में इनका विक्रय न करने की शपथ ली। इसी तरह जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल नई गढ़ी स्वामी प्रेमचंद शिक्षा एवं सेवा समिति गुड़ व गणेश ज्ञान मंदिर गुड़ में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों को नशा ना करने तथा इसके दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। जन अभियान परिषद द्वारा सरस्वती स्कूल में बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा से विश्वविद्यालय मार्ग में दुकानदारों को गुटखा सिगरेट एवं अन्य नशे की सामग्री विक्रय न करने की समझाइश देते हुए गुटखा एवं तंबाकू आदि सामग्री जब्त की गई। अब देखने वाली बात यह है कि इस अभियान का कितना असर आगे देखने को मिलेगा। अर्चित सिद्धार्थ जी कैसा नशा मुक्ति का जो अभियान चल रहा है, उसमें कल माननीय डीएम साहब और एसपी साहब ने एक कलेक्टर्स मोहन सभागार में एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें सभी संबंधित विभाग के सभी इकाई प्रमुख उपस्थित हुए थे। उसमें नशा मुक्ति को लेकर उसके प्रवेंशन और नशे में लिप्त लोगों को चिन्हित करना और उनका पुनर्वास करना, उनसे नशे से मुक्त करना और नशे में ना जाए लोग बाग, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाना, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और अलग अलग विभाग को डे टू डे अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया गया। इसी क्रम में आज जो है चार जो नगर निगम के जोन हैं, विश्वविद्यालय क्षेत्र, सिरमौर चौराहा क्षेत्र और समान और बिछिया धोबिया टंकी वाला क्षेत्र, ऐसे चार क्षेत्रों को मैं विभक्त करके वहाँ स्कूल और कॉलेज के जो परिसर हैं उससे 100 मीटर तक ये पान गुटखा धूम्रपान संबंधी सामग्री जो है इसका क्रय विक्रय ना हो, वहाँ सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग वो ना करें, इसके लिए एनजीओस, पुलिस और नगर निगम की टीम, कुछ समाजसेवी लोग को एकत्र करके इसका नशा मुक्ति अभियान में इसका प्रचार प्रसार, उन्हें स्वयं मोटिवेशन देकर नशे से स्वयं दूर रहना और जो इस लोग नशे में लिप्त हैं उनको दूर करने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उसको करना, इसके लिए शपथ दिलाई गई। और ये अभियान सभी जो नगर निगम जोन है उसके तहत जो ये क्रय विक्रय से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो इससे दूर हैं और समाज को भी इससे दूर रखें, इसके लिए चार टीमें बनाई गई हैं और वो निकल गई हैं अपने अपने क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही हैं। इसमें जो है भारी मात्रा में लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, लोग स्वतः सो मोटू अपने गुटके और जो नशे तंबाकू युक्त गुटके होते हैं इसको उनने एकत्र करके स्वयं जलाने का काम, स्वयं नष्ट करने का काम चल रहा है। और जब ये स्वयं मोटू ये और स्वयं की इच्छा से, अंदर की इच्छा से यदि ये काम होगा तो निश्चित रूप से हम समाज को, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे।